सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग कवर करेंगे जितने भी आपके प्रीपोजिशन रहते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में जितने भी आपके इंपोर्टेंट्स रहते हैं वो सारे प्रीपोजिशन आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का फ्रेंड्स ये जो वीडियो रहेगा फटाफट से शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ही एक्टेड अकॉर्डिंग डैश माई इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा या आपका फॉर आएगा या विद आएगा या ऑन आएगा। ठीक है, चार ऑप्शन होंगे आपके सामने, आपको अप्रोप्रिएट बताना है, यानी कि जो सही लगे वो आपको बताना है। देखिए मैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब भी आपको कहीं पे भी एग्जाम में अकॉर्डिंग दिखे तो अकॉर्डिंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, अकॉर्डिंग के साथ में। अकॉर्डिंग होता है मतलब तरीके से, ठीक है, अकॉर्ड यानी कि अकॉर्ड से, तो अकॉर्डिंग के साथ टू का यूज किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले का ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, टू यहाँ पे मैटर करता है। देखिए सेकंड है आपका, आई इंसिस्टेड डैश हैविंग माई सी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि इंसिस्टेड के जो बाद आपका प्रीपोजिशन आएगा वो ऑन आएगा। क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पे मैटर करता है, सबसे अच्छा प्रीपोजिशन रहेगा आपका। देखिए, आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई से, आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई से, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चंस की, कि हिज फ्रेंड डिसएग्रीड, जो उसका मित्र है वो कैसा है, डिसएग्री है यानी कि नाराज था, असहमत था हिम ऑन दिस पॉइंट, उसके इस सिद्धांत या पॉइंट पे, इसकी इस बात पे। तो इसमें आपको बताना है कि क्या प्रेपोजिशन आएगा। अगर आपको डिसएग्रीड मिलता है कहीं पे, तो डिसएग्रीड के साथ आपका प्रीपोजिशन विद का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, विद का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा हिज फ्रेंड डिसएग्रीड विद हिम ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो विद आएगा आपका। तो ऐसे प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, जितने भी सारे मैं करा रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आप शक मत करिएगा, इन्हें रट्टा मार के याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको मिलता है ही इज एडिक्टेड। देखिए, एडिक्टेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू जैम्बलिंग, यानी कि जैम्बलिंग होता है जुआ खेलना, ठीक है, सट्टेबाजी या सटोरिया। तो इज एडिक्टेड, वो आदि हो गया है जैम्बलिंग, ठीक है, वह जुआरी जुए का आदि हो चुका है। ठीक है, जैम्बलिंग होता है आपका, जुआ ताश का जो खेल होता है उससे बोलते हैं। ठीक है, तो ही इज एडिक्टेड, और इसके एडिक्ट के साथ में किसका यूज किया जाता है, एडिक्ट होता है फ्रेंड्स आपका आदि होना, किसी चीज़ के आप आदि हो गए हो तो आप एडिक्टेड हो, यानी कि आदि होना, तो आदि होना किसी चीज़ का मतलब एडिक्टेड टू। तो ही इज एडिक्टेड टू जैम्बलिंग यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे परफेक्ट बैठता है। देखिए, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश हिज सक्सेस, बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश हिज सक्सेस, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन, ठीक है, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन मैटर करता है और बार बार रिपीट होता है, क्योंकि मुझे मेरी सफलता पर, यानी कि मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया उसने, क्यों दिया, ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर उसने उसे क्या किया था, कॉन्ग्रेचुलेट किया था, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन क्या होता है, स्वागत किया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, उसका स्वागत किया ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर, मैंने उसका स्वागत किया उसकी सफलता पर, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। यहाँ पे जो आपका मैटर करता है फ्रेंड्स, वो आपका ऑन सबसे अच्छा मैटर करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है मुझे। ठीक है, देखिए दिन के दिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ रहे हैं, आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, जो भी आप फ्रेंड्स कमेंट्स करते हो, ठीक है, वो हमारे लिए मोटिवेशन साबित होती है। तो अपनी कमेंट प्लीज़ जारी रखिएगा, ठीक है, और अपनी एक लाइक तो बनता ही है यार, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, रात में मैं फ्रेंड्स आपके लिए 1-1 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी अच्छे से मेहनत करिएगा, जब हम बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने एग्जाम को क्रॉस करने के लिए उतनी से ज़्यादा मेहनत करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिक्स आता है आपका, शाहजहाँ वाज फॉन्ड डैश आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि प्रेपोजिशन क्या आएगा। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका प्रेपोजिशन सही बैठता है वो आपका डी ऑफ बैठता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कभी भी आपको फॉन्ड वर्ड मिले, फॉन्ड होता है साझा वाज फॉन्ड ऑफ फारसी टेक्स्ट, तो कभी भी फॉन्ड वर्ड मिले तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है, ठीक है। इंपोर्टेंस मार्क करिएगा, बहुत अच्छी प्रीपोजिशन है, बहुत प्यारी प्यारी प्रीपोजिशन है, बहुत बार रिपीट होती है। इंपोर्टेंस मार्क टिक करिएगा, ठीक है। साझा वाज फॉन्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ से एक रूल्स पक्का हो गया, एक नंबर भी समझ लो, ठीक है। ये फ्रेंड्स 20 कराऊंगा मैं, 20 में से आपका बार नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में बनता है प्रीपोजिशन तो इसमें से कवर हो जाएगा वो। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, वी शुड रैली डैश और अवर ओन एफर्ट्स। तो रैली के साथ हमेशा ऑन का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, रैली ऑन का यूज किया जाता है हमेशा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वी शुड रैली ऑन अवर ओन एफर्ट्स, ठीक है। वी शुड रैली ऑन अवर ओन एफर्ट्स, तो यहाँ पे ऑन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपका मैन इज एंटायरली डिफरेंट डैश अदर एनिमल्स। तो फ्रेंड्स डिफरेंट के साथ में प्रीपोजिशन किसका यूज किया जाएगा, फ्रॉम का यूज किया जाएगा, ठीक है। फ्रॉम का यूज क्यों किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैन इज एंटायरली, मैन जो मनुष्य है वो डिफरेंट है अदर एनिमल, अन्य एनिमल की, फ्रॉम उन जानवरों की, डिफरेंट एंटायरली, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम का यूज किया जाएगा, डिफरेंट के साथ किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज किया जाता है। आप रट्टा मार लो, डिफरेंट के साथ टू का भी यूज किया जाता है कुछ कंडीशन में, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड जितनी भी सारी प्रीपोजिशन है आप उन्हें रट दिला लिए, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो वो आपके कवर हो जाएंगे आज की इस वीडियो में। देखिए 9th क्वेश्चन है आपका, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा टू, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। देखिए यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, द ऑपरेशन वाज एकम्पनीड डैश नो पेन। तो 10th का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सी विद, ठीक है। एकम्पनीड विद का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, एकम्पनीड के साथ में विद का यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो द ऑपरेशन वाज एकम्पनीड विद नो पेन, ठीक है। देखिए 11th क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चिल्ड्रन शो पार्शियलिटी डैश स्वीट्स एंड आइसक्रीम। तो 11th का ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चिल्ड्रन शो पार्शियलिटी फॉर स्वीट्स एंड आइसक्रीम, चिल्ड्रन शो पार्शियलिटी फॉर स्वीट्स एंड आइसक्रीम, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, ही इज़ लैकिंग डैश कॉमन सेंस एंड हाई थिंकिंग विच ओनली ब्राइट स्टूडेंट्स पोसेस। तो देखिए 12th में यहाँ पे आएगा कि ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए लैकिंग के साथ, हमेशा लैकिंग के साथ इनका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, लैकिंग अगर आपको प्रीपोजिशन दिखता है तो हमेशा इनका यूज किया जाएगा। तो ही इज़ लैकिंग इन कॉमन सेंस एंड हाई थिंकिंग विच ओनली ब्राइट स्टूडेंट्स पोसेस, ठीक है। जो मतलब जो कॉमन सेंस एंड हाई थिंकिंग सोच रखते हैं वो ब्राइट स्टूडेंट्स पोसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हिंदी मीन्स हो जाएगा, आप हिंदी भी करने कोशिश करिएगा, ठीक है। 13th क्वेश्चन है आपका, ही रोज इक्वल डैश द ओकेशनल वैन नन कुड शो दैट रेस्पॉन्स। तो 13 का यहाँ पे सही आंसर होगा बी टू, क्या हो जाएगा, ही रोज इक्वल टू द ओकेशन वैन नन कुड शो दैट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ही रोज इक्वल टू द ओकेशन वैन नन कुड शो दैट रेस्पॉन्स। 14 क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, चाइल्ड मैरिज इज अ ग्रेट हिंड्रेंस डैश डैश इज फर्दर स्टडीज। तो 14 का यहाँ पे सही आंसर होगा डी टू, ठीक है। टू यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि हिंड्रेंस के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, टू प्रीपोजिशन का। देखिए 15 क्वेश्चन आता है आपका, प्रिपेरिटी डैश टेकिंग ड्रेस्टिक स्टेप अगेंस्ट द चाइल्ड द टीचर वार्न हिम सेवरली। तो 15 का यहाँ पे सही आंसर होगा डी टू, ठीक है, क्योंकि प्रिपेरिटी का यहाँ पे प्रिपेरिटी के साथ में फ्रेंड्स टू का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको प्रिपेरिटी एग्जाम में दिखेगा तो आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना है वहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रिपेरिटी के साथ में
टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, देखिए ही इज कैपेबल, कैपेबल योग्य होना होता है। ठीक है, कैपेबल योग्य होना होता है आपका, और कैपेबल के साथ में जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो क्या आता है आपका, ऑफ। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क 12 आवर एट अ स्ट्रेच, वह इस कार्य को कैपेबल, वह इस कार्य को ठीक है 12 घंटे के अंदर करने के योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेबल होता है, कैपेबल ऑफ होता है योग्य होना। ठीक है, अब 17 यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, ही इज इन्फेचुएशन डैश द गर्ल मेड हिम लेजी एंड आइडल। देखिए ऐसा सेंटेंस अगर आपके सामने आता है, और इन्फेचुएशन यहाँ पे क्या है, ये इन्फेचुएशन आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इन्फेचुएशन के साथ में जो प्रीपोजिशन यूज होगा यहाँ पे वो क्या यूज होगा, इन्फेचुएशन के साथ में आपका विद यूज होगा। क्या होगा, विद। तो हिज इन्फेचुएशन विद द गर्ल मेड हिम लेजी एंड आइडल, हिज इन्फेचुएशन विद द गर्ल मेड हिम लेजी एंड आइडल, ही इज डेस्पेयर्ड डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड जो आपका वर्ड आएगा वो आएगा ही इज डेस्पेयर्ड ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। 19 क्वेश्चन आता है आपका, ही इज इंटेंट डैश विजिटिंग अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो 19 में जो क्वेश्चन सही होगा वो होगा सी, ऑन का यूज यहाँ पे किया जाएगा, ही इज इंटेंट ऑन विजिटिंग अमेरिका नेक्स्ट ईयर। 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, ही डील्स डैश द कस्टमर्स नाइसली विद द होप दैट दे विल कम अगेन एंड अगेन। तो 20 का यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सही प्रीपोजिशन होगा आपका सी, विद का यूज यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि डील्स के साथ में हमेशा जब डील्स कोई कस्टमर के बीच हो रही हो ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा डील्स विद का यूज किया जाता है। किसका, डील्स विद का यूज किया जाता है हमेशा। तो आप ऑप्शन सी यहाँ पे टिक्स मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 वो प्रीपोजिशन याद किए हैं जो कि अक्सर कर एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ठीक है, वहाँ पे आपको उसका जवाब मिलेगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव, किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।